आप देख रहे हैं लोदरगढ़, जिसियुंगता से द्रमन की ओर जाते वक्त रास्ते में एक पुराना किला सा नज़र आता है। मैं नरेंद्र सिंह संधू आज ट्राई कर रहा हूँ कि इस जो फोर्ट है, जो किला है लोदरगढ़ का, इसको एक्सप्लोर किया जाए। ये व्यू देख रहे हैं आप, सिंगता वैली और ये सिंगता द्रमन रोड। लोदरगढ़ फोर्ट, यहाँ से पैनोरमिक व्यू। नरेंद्र सिंह संधू, ब्यूटीफुल, ऑसम व्यू। आप देख रहे हैं ये जो किला है, ये फोर्ट, ये लोदरगढ़ का है, मतलब काफ़ी पुराने राजा महाराजाओं के टाइम का ये शायद किला है। तो आज मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मैंने सोचा क्यों ना इसको आज एक्सप्लोर किया जाए। तो छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा लोदरगढ़ फोर्ट, जो आज तक हिडन है, अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। इस किले की ओर जाने के लिए एकमात्र ये रोड है, मगर ये रोड नाम मात्र है, चलती नहीं है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, जो लोदरगढ़ किले की ओर जाता है, बिल्कुल सुनसान, मेरे सिवा और कोई नहीं है यहाँ पे, नोबडी हियर। कई साल पुराना कहा जाता है, 7वीं और 8वीं ईस्वी का राजा साहिल वर्मन के द्वारा इकलौता ये किला बनाया गया था। फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब इसकी पूरी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, क्या हिस्ट्री है इसकी, वो अब पुराने जो इतिहास है उनको देख के पता लगेगा। अगर आप देखिए ब्यूटीफुल व्यू लोदरगढ़। मैं नरेंद्र सिंह संधू, वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग चैनल यूट्यूब। साथ में देखिए एक छोटा सा गांव है लोदरगढ़, और ये फोर्ट किला, और ये सामने एक मंदिर है। बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, तो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। एंट्रेंस नहीं है, मगर सुनसान है, एक पर्सन नहीं है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो सकता है, बिल्कुल राजे महाराजा के टाइम का लोदरगढ़ ये फोर्ट किला। चाहता हूँ आर्कियोलॉजी वालों को यहाँ आना चाहिए और कुछ टिप्स या इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये टिप्स मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सुनसान, बेवान,
सिंह संधू आज न्यू ट्रैक और न्यू डेस्टिनेशन के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक किला है। आई डोंट नो कितनी ईस्वी का है, कहा जाता है कि 600 या 700 ईस्वी का ये किला है। लोदरगढ़ इस प्लेस का नाम है, लोदरगढ़ किला। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो मुझे इतना पता नहीं है, पर फिर भी मैं इसको फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। और मेरा मेन मोटिव है कि जितनी भी अनएक्सप्लोर साइट्स हैं या लैंडस्केप्स हैं या आपकी लेक्स हैं उनको एक्सप्लोर करना। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ आके, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल सामने मेरे पुराने ज़माने का एक किला है जिसका अभी तक किसी ने अस्तित्व देखा नहीं। यहाँ के जो कुछ गांव वाले हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत साल पहले राजा महाराजा आए करते थे, यहाँ गढ़ था और कहा जाता है कि यहाँ तोफ खाना था, मतलब हथियार वगैरह यहाँ पर रखे जाते थे। और मैं नरेंद्र सिंह संधू, अगस्त 18, 2019। थैंक यू सो मच। यहाँ से आप देख रहे हैं लोदरगढ़ किला, अनएक्सप्लोर साइट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जरूर विजिट किया जाए, सारे लोग यहाँ पे आए और इस खासकर हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी वाले इस चीज को अपने सर्वे में रखें। और ये मैं देवद्रोज से बाहर आ गया और ये आप गांव का व्यू देख रहे हैं, ब्यूटीफुल व्यू, अनएक्सप्लोर साइट। से आप व्यू देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल व्यू, जैसे लगता स्वर्ग में आ गए हैं। और ये किला लोदरगढ़, आप देखते हैं लोदरगढ़ किला, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर बाय मी। और हेरिटेज साइट इन इंडिया अनएक्सप्लोर, एक्सप्लोर बाय नरेंद्र सिंह संधू। वेरी लकी टू हियर कैप्चरिंग सम हेरिटेज मोमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, अनएक्सप्लोर।
थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट एक अनएक्सप्लोर साइट के साथ। मैं नरेंद्र सिंह संधू, 18 अगस्त 2019, वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग हिमाचल। एक न्यू चैनल मैंने वीडियो यूट्यूब पर बनाया है, और आप उसको लाइक शेयर करेंगे, और एक हर बार एक न्यू डेस्टिनेशन जो मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, आप वहाँ आएंगे, विजिट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय। एकांत और सुनसान, ब्रह्मन रोड है, यहाँ से आप धौलपुर जो पीछे गांव आएगा उससे 2-1 किलोमीटर आगे ये रोड ऊपर की ओर जाएगी। ये रोड जो है ये सीधे आपके किले तक लेके जाएगी, और ये किला जो आपका बिल्कुल टॉप पे है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर। मैं अभी पैदल ट्रैक लगा के आया हूँ। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, शांति बिल्कुल। Thank you so much.